कायनात का खालिक व मालिक, इंसानों का माबूद, अकल इंसानी में न आने वाला खुदा, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान बुत परस्त है, मांग बुत से रहा है, दे खुदा रहा है, कोई सूरज की किरणों से मांगता है, देता खुदा है, कोई चांद की चांदनी से मांगता है, देता खुदा है, कोई किसी से नहीं मांगता, लेकिन देता खुदा है, क्योंकि दुनिया अपनी बंदगी भूल गई लेकिन खुदा अपनी खुदाई नहीं भूला। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि हमें मुसलमान पैदा किया। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हम इस दुनिया में इतना खो चुके हैं कि अल्लाह को भूल गए, सिर्फ अपनी फ़िक्र में लगे हैं, कभी ये नहीं सोचा कि मैं और आप कैसे बाकी हैं। याद रखें, कायनात में अल्लाह के निज़ाम ने हमें बाकी रखा हुआ है। वो निज़ाम क्या है, ज़रा मुख्तसरन समझ लें। इस ज़िंदगी में मौत की याद बड़ी आसानियाँ कर देती हैं। दिल दुनिया की आजमाइशों में नहीं अटकता, ख्वाहिशों में नहीं सिसकता। उस खालिक के हकीकी की याद दुनिया और ख्वाहिशों के शराब से एक झटके से बाहर निकाल लाती है। बस याद रहता है तो ये किसने ज़िंदगी दी थी, किसकी ज़िंदगी है, क्यों दी थी, कैसे जीनी थी, कैसे जी रहा हूँ, कब तक जीऊँगा, जिसका हूँ उसके होने का हक अदा कर रहा हूँ, उससे गाफिल होकर खुद से कब तक गाफिल रहूँगा, जब यहाँ आना वापस जाना है तो कैसे दिल लगाना यहाँ, क्यों हर बात पे जी मुरझाना यहाँ, जब मौत आएगी तो सब ले जाएगी, रहेगा तो क्या, इस ज़िंदगी में जिया सच और मोहब्बत का लम्हा, एहसास का लम्हा, और बस बाकी तो सब गुबार बनकर छुट जाएगा। तो ये ज़िंदगी किस हसूल के हवस में अपने सच से जूटे होकर खुद फरेबी में जी जाए। ज़िंदगी तो बस जीने का नाम है, जिसकी है उसके लिए गुजारो, अल्लाह के लिए जियो और उसी के लिए मरो, अपना फ़र्ज़ अदा करो।